मनाली हिमाचल प्रदेश में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है हिम रिगालिया के नाम से, रिवर साइड प्रॉपर्टी है। टोटल 16 रूम्स हैं जिनमें 9 रूम रिवर फेसिंग है। आपके सामने मेरे पीछे जो आपको दिख रही है ये है ब्यास नदी, और ब्यास आप सबको मालूम ही होगा, ब्यास फेमस है अपने तेज़ करंट के लिए। और मनाली के शहर के हसल बसल से, भीड़ भड़ा के शोर शराबे से दूर लगभग 8 किलोमीटर पहले कुल्लू मनाली हाईवे पे ही हमारी प्रॉपर्टी पड़ती है, जिसका नाम है हिम रिगालिया। और आप साल भर में जब भी प्लान करें मनाली आने के लिए, मनाली आपको पता ही होगा कि सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेचुरल डेस्टिनेशन है। मनाली के 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में आप निकल जाएं, आपको प्रकृति अपने चरम खूबसूरती पे मिलती है। और किसी भी तरह की जेंट्री हो, आप न्यूली मैरिड हैं, फैमिली वाले हैं, आप कपल्स हैं, इवन अनमैरिड कपल्स हैं, सबका स्वागत है यहाँ पे। आप आइए, आपका एक बहुत ही प्लेजेंट स्टे और हम लोग खास बनाएंगे उसको, ये एश्योरिटी है हमारी तरफ से। ये हमारा छोटा पहाड़ी, हमारी फैमिली का सबसे नया मेंबर, आपके स्वागत के लिए ये अपेक्षा रखता है। और उम्मीद है कि आप लोग इस साल अप्रैल में, जून में, चूँकि विंटर सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज 8 जनवरी 2021 है। पुराने साल में हम सब ने बहुत कष्ट झेला है, और उम्मीद है कि नए साल में एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ फिर से सब लोग निकलेंगे। मनाली आइए, मनाली बहुत खूबसूरत है और यहाँ की खूबसूरती आप सबके आने का इंतज़ार कर रही है। आप प्लान करिए यहाँ पे आने का, और आप कम से कम 3 से 4 दिन का स्टे यहाँ पे रखिए। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हैसल नहीं होगा, आपके साइट सीन से लेके, आपके एडवेंचर एक्टिविटीज़ से लेके, और आपके बर्थडे पार्टीज़, आपकी दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, सब कुछ हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे। आपको सिर्फ वहाँ से बैग पैक करने और आना है यहाँ पे। तो हम सब आपके स्वागतकांक्षी हैं। ये मेरे साथी हैं चेतन, कैमरे के पीछे है अभितेश और राजन, और जल्दी से प्लान करिए और एक नया अनुभव यहाँ से लेके जाइए। दोस्तों, आप में से जिसको नहीं पता होगा उसको ये बता दूं कि मनाली जो है ये न सिर्फ हिमाचल के बल्कि देश भर के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट डेस्टिनेशंस होते हैं उनमें ऋषिकेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और ऋषिकेश जैसे आपका राफ्टिंग के लिए फेमस है, उसी तरीके से मनाली स्पेशली रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। पैराग्लाइडिंग जो होती है ये हिम रिगालिया से लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस से होती है, और ये पैराग्लाइडिंग भारत की सबसे अच्छी पैराग्लाइडिंग में से एक कंसिडर की जाती है। ये लगभग 9000 फीट की हाइट पे लेके जाता है, और आपका 10 से 12 मिनट की एक पैराग्लाइडिंग का एक सेशन होता है। ये सभी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कुछ आप डायरेक्टली हिम रिगालिया से ही बुक कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आपको सिर्फ आना है यहाँ पे, यहाँ पे आके ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। आप एक बार यहाँ पे आते हैं और सब कुछ आपका यहीं से बुक हो जाता है, और डायरेक्टली यहीं से आपको पिक करके लेके जाया जाता है। चाहे आपको रिवर राफ्टिंग करनी हो, चाहे आपको स्की करनी हो, चाहे आपको आइस स्केटिंग करनी हो, चाहे आपको बर्फ में खेलना हो स्पेशली इन विंटर्स में, और या फिर आपको पैराग्लाइडिंग करनी हो, हर एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराने का जिम्मा हिम रिगालिया का है। आप सिर्फ यहाँ का प्लान करिए और आइए। दोस्तों, हिम रिगालिया में रुकने का एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको शायद कैमरे में दिख रहा हो, ठीक सामने हिम रिगालिया होटल है, और होटल के ठीक सामने नदी है। और अभी हम लोग जिस ब्रिज पे खड़े हैं, इस ब्रिज के माध्यम से हम लोग नदी का लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों ही एक्सेस कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पे रहने का मिलता है वो मॉल रोड के आसपास रहने में नहीं मिलता है। मोस्टली टूरिस्ट मॉल रोड की तरफ भागना चाहता है, लेकिन मॉल रोड में एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि वहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है मॉल रोड में प्रॉपरली, और पानी का बहुत क्राइसिस है। और हमारे हिम रिगालिया में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे 24 घंटे की पानी सप्लाई है। और आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो बहुत सारे टूरिस्ट को नहीं पता है वो ये है कि विंटर्स के टाइम में जब हैवी स्नोफॉल होता है मनाली में, तो मेरी प्रॉपर्टी के ठीक आगे पूरा मनाली तक वो सारा ट्रैफिक स्टक हो जाता है, और इवन मेन मॉल रोड से यहाँ तक लाने के लिए 4x4 जिप्सी वाले पर पर्सन 5,000 रुपए लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आज तक एड्रेस नहीं किया जा सका है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारे साथ ऐसा इशू नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ पर रुक रहे हैं तो यहाँ से रास्ता थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है।
यहाँ के नेचुरल एसेंस को और क्या एक्चुअल क्या एडवांटेजेस हैं हिम रिगालिया में, ये आप तभी रियलाइज़ कर सकते हैं जब कि आप एक बार एटलीस्ट यहाँ पे आके स्टे करें। आप स्टे करेंगे फिर आपको खुद महसूस होगा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्पेसिफिकली हिम रिगालिया में रुकने के। और हम सब लोग वेट करेंगे आप लोगों के आने का, और एक चक्कर ज़रूर लगाइए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, हम लोग अश्योर।